हार जी, क्या हाल चाल? तो मैंने भी शादी के लिए घर आ रखे भाई, और कल शादी में गुंडे आराम से हुई। क्या ले जा रहे हैं? तो ये देखो भाई, घर में काम करा रहा हूँ मैं, मंडी से। क्या हाल चाल है? हो गया तेरे गुस्सा शांत? तो इतने दिन से तेरे को बुला रहा हूँ, आ जा रहा, तो फोन भी नहीं उठा था भाई। ये बिजी जा तू। ये देखो भाई, भाभी तो शौकीन है भाई मोमोज की। यही मिल जाए तो ठीक है, नहीं बथेरा है ना? और ठीक ठाक ना? तो बढ़िया। ऐसे क्या है, मतलब घर आके फोन पे ही बात करना, क्या हो गया? कार्ड पे लिख दिया है 251 रुपए, तो हमको इससे बढ़ा के देना है। तो ये देखो भाई, दीदी का फोन आ रखा है, और ब्रोनो देखो है। चल बोल बोल। घूमी चलो भाई, देखा लग गया। ब्रोनी चल बल, घूमी घूमी चल, अरे चलो बल, अरे यहाँ देख क्या रोल लगी। अब बैठो, अबे चतम जाएगी ये, चतम जाएगी मैं ती। ये पुराना चतम जाएगी, रोल नहीं तू यार। अरे सुमी देख, यहाँ देख, इधर देख, ये भाई इधर है। अबे वहां तोड़े, इधर आ जा, इधर आ। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव चाल गांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो अभी हमारे जो भगवती का मंदिर है वहां पूजा चल रही है, तो आज मैं नहीं जा पाऊंगा बिकॉज मेरे को पहले लेट हो गया। अन्नु आया था, तो मैंने बताया था, ब्लॉग सुबह ही एडिट करता हूं आजकल, तो मैंने बताया था कि कल है हमारे गांव के पड़ोसी गांव में शादी, तो 3 या 4 शादी है शायद, तो उनके इनविटेशन भी मेरे को आ रखे हैं, और कुछ पर्सनल किसी ने मेरे को मैसेज भी किया है फेसबुक पे, तो जाना तो पड़ेगा ही। इतनी जगह, 4 जगह अटेंड करना है हमने, तो देखते हैं अगर मेरे साथ कोई चले जाएगा तो फिर अटेंड कर ही लेंगे। तो आज मेरे दोस्त भी आ चुके हैं घर, तो वो भी मिलेंगे शाम को। तो फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ड्यूटी चलते हैं। ये देखो भाई, आज का जो मौसम है वो मस्त ही धूप लग रखी है, और मम्मी देखो झाड़ू मार रही है आज। खाण बने? अच्छा, तो मम्मी बोल रही कि नीचे से टीका लगा के आना भाई, लेट हो गया आज, पहले लेट हुई मैं। तो क्या हुई तब? टीका लगेगा एकदम हम शाम को जाला ना। और ये देखो भाई, दादी पान डाल रही है, ये जो परसों मैंने बताया था वो लगा रखी है, लहसुन और धनिया, दादी का आजकल का काम, नहीं तो झाड़ू मारती थी भाई। तो भाई मम्मी ने बना रखी है आलू और बैंगन की सब्जी, तो आज रज्जू भी आने वाला है भाई, तो रज्जू शाम तक पहुंच जाएगा, उसकी कॉल आई थी अभी अन्नू के लिए। तो कल जो है, कल है शादी, और शादी में काफी मजा आने वाला है। पहले तो शाम को पहले दोस्तों से मिलने जाएंगे, और फिर डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ जाना है, बिकॉज हम जहाँ भी जाएंगे ना दोस्तों के साथ ही जाना है। मनवीर आपने देखा होगा, मनवीर भी आ रखा है, और एक बहुत पहले विकास देखा होगा, तो विकास क्या है कि विकास मेरी दीदी की शादी में आया था, तो मैंने उससे बात बंद कर दी थी। मैंने पहले बोल दिया था कि जो शादी में नहीं आएगा, मैंने कहा मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो सारे दोस्त तो आपने शादी में देख ही लिए होंगे, बट वो नहीं दिखा, नाक मेरी लगनी थी, उसकी नाक लग रही, बात ही नहीं कर रहा मेरे से। तो मनवीर जो रहता है वो मंथल रहता है, और जो विकास रहता है वो साड़ी के ऊपर रिकूट जगह है, तो वहां रहता है वो, तो उसको मिलने भी जाना है। उसने कल बोला था कि कल आना, तो आज जाएंगे उससे मिलने। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाए, हाय रे सांसों में बस जाए, वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महका। तो भाई ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, और नीचे चल रही है पूजा, तो ताऊ जी मेरे को बुला रहे थे नीचे आ जाके, मैंने कहा अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ शाम को आऊंगा, तो वैसे भी 13 तारीख से हम पट खुलेगा, और 13 तारीख को मैं छुट्टी कर रहा हूँ। तो आपने सिनेमैटिक में देखा होगा कि चाची लोग साड़ी पहन के आ रहे थे इस टाइम, तो कल शायद वो सूट में आए थे, और हाँ भैया ने उनको भयंकर डांटा कि सूट में मत आना इधर, की साड़ी पहन के आना, तो आज साड़ी पहन के आ रहे। अभी आ नहीं जाएगा कि ना है डांट दिए तुम ब्लॉग में नहीं दिखे ना जो।
शाम को मिलते हैं। तुम दिखाना नहीं लगे व्लॉग में से। क्या ले जा रहे हैं? किधर ले जा रहा है इसको? ये देखो भाई आसी। तो भाई इसकी स्टोरी फेसबुक पे पड़ गई, बस पड़ गई, हटा दी तूने, सीख गया यूट्यूब से। ओ सीख गया यूट्यूब से, सीख गया कैसे हटाते स्टोरी फेसबुक से। नहीं, अच्छा स्कूल क्यों जा रहे तू? बस तेर तो हमेशा छुट्टी रहती है। ईद नहीं, ईद तेरी है, छुट्टी कैसे ईद तेर थोड़े। हाँ तेरी नहीं है ना ईद, ईद तेरी है। पहले बता कहाँ जा रहा तू? जहाँ बन के तो वैसे शाम के बज रहे 5:30, तो ड्यूटी से निकले थे और वेट कर रहे हैं यहाँ पे मनवीर का। तो मनवीर मैंने बताया था जो पहले से ब्लॉग देखते हैं, तो उन्होंने देखा होगा मनवीर एक दिन दिल्ली से आया था कुछ काम से, तो वो मेरे को मिलने आया था जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो सुबह मैंने उसको कॉल की, वैसे उसने 9 तारीख को आना था बोला था, उसने ब्लॉग में ही बोला था कि 9 तारीख को आऊँगा मैं, तो 9 तारीख को तो आया नहीं और आज आया वो, आज पहुँचा सुबह। तो मैंने उसको कॉल की कि शाम को मैंने घूमने आना, और एक और दोस्त आ रखा है उसको मिलने भी जाना है, तो वो भी आ रहा है। पहले मनवीर मेरे से आ जाएगा यहाँ से और घर पे जाएंगे, फिर घर से चाय पी के हम जाएंगे दूसरे दोस्त से मिलने। तो शायद आ ही गया वो, यहाँ से दिख तो रहा है वहाँ पे, तो बोल रहा था कि मेरे को लेने आना, तो वहीं पे आ गया। अब लेने क्या जाना भाई, आ जा भाई आ जा। इस टाइम का व्यू देखो भाई क्या मस्त लग रहा है, सनसेट का टाइम मस्त लगता है भाई। और जो मैं बोल रहा हूँ ना कि साथ ही एक जिसके लिए मनवीर घर आ रखा है, वहाँ देखो वहाँ चांदनी भी लग गई है। ये देखो भाई इधर देखो, तो यहाँ का नाम है मंथल गांव। तो एक शादी इधर है और मैंने तिवारी में बताया था, तिवारी में 3 शादियाँ हैं और उनमें से एक शादी कल है और एक दूसरी जगह है, वहाँ भी जाना है हमने। तो देखते हैं अभी जहाँ प्लान बनेगा सबका मतलब ना, तो अनवर में तो बाइक में चले जाएंगे और अन्य लोग पता नहीं किस में जाएंगे, देखते हैं। तू अपनी स्कूटी ले जाएगा तो कल अन्य अपनी स्कूटी ले जाएगा भाई। तो हम सोच रहे हैं कि सबसे लास्ट में इधर ही आए, बिकॉज यहाँ दोस्त भी है मनवीर लोग ना, तो यहाँ मजा आता है भाई। ये देखो भाई ये आ चुके हैं, और जी क्या हाल चाल? तो मनवीर शादी के लिए घर आ रखे भाई, और कल शादी में गुंडे रास भाई। तो पहले हम घर जाएंगे चाय पियेंगे, उसके बाद रज्जू भी आ गया होगा आज भाई, तो फिर उसके बाद घूमने चलेंगे और दूसरे दोस्त से मिलाएंगे। वैसे फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे और मनवीर भी आ रखा भाई। ये देखो मैंने कहा पहले घर चलते हैं फिर चाय पीते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे मैंने घूमने। और जब तक ऊपर में आए रोड में ना, तब तक देखा कि निखिल भी घर आ रखा भाई, तो निखिल भी हमारे साथ बैठने लगे। तो मैंने कहा भाई थोड़ी देर में पहले चाय पीते हैं फिर उसके बाद चलते हैं मैंने घूमने, तो वो शायद घूमने चले गया आगे, तो हम दोनों जाएंगे बाइक में और फिर आगे एक और दोस्त मिल रहा है। तो भाई शादी के लिए बहुत सारे हो गए, अब मस्त मजा आएगा भाई शादी में। अब दोस्ती दोस्त हो गए भाई, मतलब स्कूल की यादें ताजा होगी भाई आज। तो आगे चलते हैं, पहले चाय पीते हैं, मम्मी है नहीं घर में, चाय खुद ही बनानी पड़ेगी, पहले चाय बनाते हैं। तो ये देखो भाई घर में काम करा रहा हूँ मैं मनवीर से, मम्मी है नहीं तो हमने सोचा हमें खुद ही बना ले। तो निखिल भी आगे चले गए और जो दोस्त आ रहे हैं ना उसका नाम विकास है, वैसे बहुत पहले देखा होगा तुमने। ना ग्लास ले, जब तक आधे रास्ते आए तब तक ये मिल गया भाई। और क्या हालचाल है, हो गया तेरा गुस्सा शांत? ये मैनुअल का मैनुअल का लौंडा है वही, तेरा नथुर शांत है। तो भाई ये शादी में ना आई दीदी के, इसका नाम विकास है भाई, तेरे लग रहा कि तू ना भाई। मैंने मैसेज किया, मैंने सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों को सबको बोल दिया था कि मैंने कहा जो शादी में आएगा उसका उसके साथ में बात नहीं करूंगा और उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। इसको ब्लॉक तो नहीं किया मैंने, तुझे ब्लॉक नहीं किया तो मैंने बात ही बंद की थी देर से, ठीक है। कब किया तूने मैसेज? देखो ना ऐसे ऐसे मैसेज स्टेटस पे मैसेज कर रहा है किसने, पता है तुझे? स्टेटस पे निखिल मिला था। रहा था तू तो बोल रहा था कि मैं अभी घर से निकल रहा हूँ, इतना झूठ बोलता भाई कसम से, जो भूल लेता मैं तो तैयार निकल। तो भाई मैं बता दूं, मेरी और विकास विकास की और निखिल की बॉन्डिंग अच्छी थी, मतलब हम तीनों की थी। और मेरी बॉन्डिंग मनवीर के साथ भी अच्छी थी और सूरज के साथ, मतलब दो पार्टी रहती थी।
तीसरी कौन सी थी भाई? हाँ अंकी वाली भी थी, अंकी वाली पार्टी भी थी भाई, अंकी भाई देखा होगा आपने। तो मैं, मनवीर और सूरज और सानू भाई, हम चारों रहते थे और फिर मैं इनके साथ भी रहता था, मतलब विकास और निखिल के साथ। तो निखिल निखिल आगे चले गए, निखिल मिला तेरे को? चल फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर मनवीर को छोड़ने भी जाना पड़ेगा भाई, और तुम्हारे यहाँ शादी कल है ना? ओह माय गॉड, इनके यहाँ शादी है भाई, इनके यहाँ शादी है। हमको भी आ रखा भाई कार्ड, पर मंथल गांव से जो कार्ड आ रखा ना उसको पता नहीं है मुझे आ रखा कि नहीं। क्या था हम रखे होते तो भाई देखते हैं कहाँ जाते हैं सारे। मंथल तो जाने जाने ऊपर ही, इनके यहाँ बहुत ज्यादा जाने के लिए है यार, तुम्हारे यहाँ पैदल बहुत ज्यादा है, लेने आ जाना सैंड बटन ले। तो देखते भाई निकल लोग जहाँ जाएंगे, रज्जू लोग, आसी लोग, अन्न लोग, सब एक साथ जाएंगे हम। तो देखते कहाँ जाते हैं, फिलहाल आगे घूमने चलते हैं, निकल आगे जा रखे, निकल से मिलवाते भाई। तो गाइज अब हम तीनों आ चुके हैं पागड़छाड़ा, जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे ना उनको पता होगा पागड़छाड़ा कहाँ से निकलता है। यहाँ से देखो भाई, यहाँ से आता है पागड़छाड़ा, ये दिख नहीं रहा इधर से। तो हम तीनों ही आए हैं भाई, निखिल निखिल भी मिला था, बट निखिल के साथ और भी थे, अन्य लोग बहुत सारे थे, तो बाइक में आना पॉसिबल नहीं था। हम तीनों ही आए भाई, और परसों आपने देखा होगा मैंने बाइक की सर्विस कराई। तो पहले मैं चार चार ले जाता था आज लोगों को, तो फिर मिला है, मैं स्कूल की यादें ना वो ताजा हो जाती है। तो आज हम तीनों मिल चुके हैं भाई, ये देखो बस निखिल की कमी है, निखिल को बाद में दिखा दूंगा ब्लॉग में। रज्जू भी आ गया, रज्जू मेरे को कॉल कर रहा था, तो घर चलते हैं फिर सबसे मिलाते हैं, और आज आरती में भी जाना है भाई, तो इसलिए फटाफट जाना पड़ेगा। तो भाई हम यहाँ पे आए और इसको पता नहीं कहाँ से फुस फुस सुनाई दीप के, इसको शायद फोन आया उसका है ना, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा मतलब आज आना था तूने, इतने दिन से तेरे को बुला रहा हूँ, आज आ रहा तो फोन भी नहीं उठा था भाई ये। हाँ बिजी था तू, कितने दिन से घर है भाई ये, मैच में भी देखा होगा तुमने, क्रिकेट मैच खेलने जिस दिन हम आए थे उस दिन आया था ये। कहाँ था भाई तो है? मेरे कमर में दर्द हो रहा है एक दिन हमने सोच तो चले गए, इसने बोला ना, मैंने कहा उसको बुला, मैंने कहा इधर, तब तक तो खुद ही आ गया, अच्छी बात है। अब कब जा रहा है? अब जो इधर टाइम है शादी का भाई तो भाई कल शादी में मजा आने वाला है, बिकॉज सारे लोग है भाई, उधर भी आना है। मंथल मंथल आओगे तुम? हाँ हाँ, तेरे दोस्त भी तो आ रहा है घर। तो भाई निखिल को मिलने आया, यहाँ देखो भाभी भाई मोमो फ्राई कर रही है भाई, ये देखो ढंग से करना इनको, ये देखो कच्चे भाई अभी, ये देखो कच्चे, कसम से अभी गर्म नहीं हुआ तेल। हाँ दिख गए तुम ब्लॉग में, बतायो बताई जो वेट कर रही है भाई मोमोज का है। निखिल मैं निखिल से मिलने आया भाई, आगे तो जा रहे थे हम, बट निखिल ढंग से मिला नहीं था, तो अभी पता नहीं कहाँ है वो। और रज्जू भी आ चुका है, और आज आरती में नहीं गए भाई, मम्मी फोन कर रही थी मेरे को। ये देखो भाई भाभी तो शौकीन है भाई मोमोज की, यही मिल जाए तो ठीक है, नहीं बथेरा है ना। हाँ रोटी रोटी ना मिले तो चलेगा, पर ये जरूर मिलना चाहिए भाई। यहाँ देखो भाई निखिल लेके आया होगा ना, और ऐसी बेकार उड़ते हो, फ्राइड किया तुमने तब बेकार, ठंडे हो गए दिन के ला रखे, दो निकाल दिए इससे पहले मिल गया था ना, अभी बाद में मिले ना मिले है अभी खा लेती हूँ तब। तो आज कौन गए, तुम गए थे नीचे आरती में? मैं नहीं गया भाई, मम्मी भी नहीं जा रखे हो गया ना। और ये देखो भाई दर्शन दिखा दे भाई ब्लॉग में, इधर आजा। और ठीक ठाक ना तू? बढ़िया। ऐसे क्या है मतलब घर आके फोन पे ही बात करने क्या हो गया? हाँ भाई बोलते भाई जब निखिल आते बोलते तभी आते बोलते यार। ब्लॉग में देखा होगा काफी दिनों से मैं इधर नहीं आया था। जो के एल्बम पहले बहुत बैठे पहले मोमो का यार, मोमो का यार। और कल मजा आने वाला है भाई ब्लॉग, जो कल का ब्लॉग होगा उसमें मजा आने वाला है, बिकॉज कल है शादी और सारे दोस्त घर आ गए मेरे, तो मस्त से शादी में जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, मस्त मंथल भी जाएंगे और तिवारी में भी जाएंगे। तो भाई घर पे आया और मम्मी देखो भाई रोटी बना रही है, आरती में भाई मम्मी मेरे वेट करती है कि तू जाएगा आरती में, तो मम्मी भी जा सकती है भाई। अच्छा तो भाई अभी न्योता भी देखने हैं, कल शादी में जाना है, तीन शादी है, तीन क्यों चार शादी है, तो चारों को न्योता देखना पड़ेगा, मतलब उन्होंने दीदी की शादी में लिखाया होगा तो हमें थोड़ी बढ़ा के देना है, तो वो भी देखना है, नहीं तो कल टाइम नहीं मिलेगा, कल ड्यूटी जाना है मैंने, और परसों से हम पटको लेंगे, उस दिन छुट्टी करूंगा मैं। तो भाई ये देखो कल अनु सोया होगा ना यहाँ पे, और ये देखो भाई चेन उतार रखी अपनी यहाँ पे, और न्योता की कॉपी ये है भाई इसके अंदर है, और ये देखो चार कार्ड जो शादी, मतलब एक इनमें से शादी है 17-18 अप्रैल को, और तीन है कल,
तो कल के लिए देखना पड़ेगा कितना नहीं उतार रखा है इनका, तो उसे थोड़ी बढ़ा के देना है। रज्जू यहाँ पे आ गया और फोन चार्ज पे लगा रखा है, वैसे छेड़ रहे भाई, और अन्नू भी आ रहे हैं शायद थोड़ी देर में, तो देखते हैं भाई कितना नहीं उतार रखा है इनका। तो ये देखो भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, देखा जाता है, देखो जैसे लड़की के पापा का नाम है उदय सिंह गुसाई, और यहाँ देखना दीदी की शादी में जो नहीं होता आया था ना, वो देखो इनका आ रखा है उदय सिंह गुसाई 251 रुपए, तो मैंने कार्ड पे लिख दिया है 251 रुपए, तो हमको इससे बढ़ा के देना है। तो वैसे डिपेंड हम पे कि कितना बढ़ा के देना है, तो फिर जब हम बढ़ा के दे देंगे ना, तो फिर जब हमारे यहाँ शादी होगी तो फिर वो बढ़ा के देंगे। कुमाऊं में कुछ और होता होगा, कुमाऊं से काफी सारे लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो जरूर बताना भाई कैसा होता है तुम्हारे यहाँ। तो गाइस फाइनली रात के बजे 10:30, तो मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।